तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका महावीर हेल्थ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। और जैसे कि आपकी काफी रिक्वेस्ट के बाद हमारी पूरी टीम निरंतर प्रयास करती है कि आप सभी के सुझाव और आप सभी की जरूरतों के हिसाब से हमारी टीम आपके लिए वीडियो तैयार करती है। और आज का जो वीडियो तैयार हुआ है वो इस टॉपिक पर है कि किस पैच के अकॉर्डिंग कौन सा टेप यूज करना बेहतर है। डेफिनेटली बिल्कुल सही सुना आपने कि कौन से पैच पर कौन सा टेप यूज किया जाए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है या कोई भी डाउट आपके मन में है तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक भी हमारा चैनल महावीर हेल्थ सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आप चैनल को विजिट कीजिए, उस पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स और वीडियोज मिलेंगे, जैसे कि हेयर पैच की बेसिक जानकारी, हेयर पैच के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हेयर पैच के रिव्यूज, उसके अलावा हमारे जितने भी हैप्पी क्लाइंट्स हैं उनके फीडबैक वीडियोस हमने उस पर पोस्ट किए हुए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ टिप्स के यूजर्स के ऊपर बनने वाला है। यहाँ आपको बताने वाले हैं कि किस टिप का यूज किस पैच के लिए सही रहेगा और क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और आपको बताना चाहूंगा कि जिस ब्रांड को हम यूज करते हैं, जिस ब्रांड के टिप्स को हम लोग यूज करते हैं वो है वॉकर। एंड आज आप सभी जानते होंगे मोर देन 90-95% लोग जो हेयर पैच हेयर सिस्टम का वर्क करते हैं वो इसी ब्रांड को प्रेफर करते हैं। उसका रीजन है बिकॉज ये 100% मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स इनके होते हैं, टोटली हाइजेनिक है, स्किन फ्रेंडली है और किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट आज तक इनके किसी फीडबैक में नहीं आए। तो हम आपको यही सजेशन देंगे और हमारे सारे जितने क्लाइंट्स हैं उनको हम यही प्रोडक्ट यूज करने को सजेशन देते हैं और उनको सेल्फ सर्विस के लिए भी हम यही प्रोडक्ट देते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा टेप किस पैच के लिए यूज करना चाहिए तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा पैच यूज कर रहे हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि किस पैच के लिए कौन सा टेप यूज करना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना चाहूंगा आपको, ये हमारे पास है रेगुलर मोनो पैच और मोनोफिलामेंट पैच। इसको क्या, अगर ये रेगुलर मोनो और मोनोफिलामेंट पैच हम यूज करते हैं तो इस पैच के लिए दो मोस्टली सबसे कॉमन टेप यूज किए जाते हैं, वो रेड टेप एंड येलो टेप है। रेड टैप जो होता है ट्रांसपेरेंट एंड पारदर्शी होता है और ये जो येलो टैप है कॉटन टैप होता है। दोनों रोल्स में भी अवेलेबल होते हैं, रोल्स के अलावा ऐसे कटिंग एजेस में भी अवेलेबल होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप में अवेलेबल होते हैं। सपोज अगर कभी आप ट्रेवलिंग में हैं या कभी आप जहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि सर्विस प्रॉपर वे में कर पाए तो ऐसे कटिंग एजेस में भी अवेलेबल होते हैं जो आप प्रॉपरली लगाकर उनसे सर्विस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टेप को। इस रेड टेप की अगर बात करें तो रेड टेप की जो एवरेज होल्ड 5 से 7 दिन होती है और वहीं अगर येलो टेप की बात करें तो इसके अराउंड 8 से 10 दिन एक होल्ड होती है। और इस पैच के लिए ये दोनों टेप बेस्ट हैं। दोस्तों अगर इसी टेप के साथ अगर हम उस पर ग्लू पेस्ट करते हैं, ग्लू लगाते हैं तो उसी टेप की होल्ड वैल्यू वो कम से कम 20 से 25 दिन एवरेज होल्ड वैल्यू हो जाती है। अगर आप रेगुलर मोनो या मोनोफिलामेंट पैच यूज करते हैं तो आपके लिए रेड टेप और येलो टेप ही सबसे बेहतर है। तो दोस्तों सेल्फ सर्विस के लिए बड़े रोल के साथ छोटे छोटे कटिंग एजेस में भी टेप अवेलेबल होते हैं और वॉकर टेप के ही दो मिनी साइजेस में ब्रांड्स अवेलेबल है, जो एक जर्मन ब्राउन और एक सेंसी टेक में अवेलेबल है, जिनसे कि आप इजीली सेल्फ सर्विस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अगर हम थोड़े से सुपीरियर क्वालिटी में या फाइन मोनो पैचेस में जाएं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पैच है जो कि फाइन मोनो पैच है, सुपीरियर पैच है, जिसके अंदर पीयू का बेस है जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इसमें कोई और टेप न लगाकर एक नो शाइन टेप होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसमें वॉकर के दो सब ब्रांड्स एक नो शाइन और एक अल्ट्रा होल्ड, दोनों ही टेप को इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज ये जो पैच होता है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होता है। तो ये दोनों टेप जब इस पैच पे लगते हैं तो ये हमारे स्किन के साथ, स्कैल्प के कलर के साथ ऑटोमेटिकली मैच हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है स्कैल्प के ऊपर और बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि आपने टेप यूज किया हुआ है। इनकी एवरेज होल्ड वैल्यू 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक रहती है और किसी भी सुपीरियर या फाइन मोनो पैचेस के अंदर इन्हीं दो टेप को मोस्टली यूज किया जाता है। ये दोनों टेप भी नो शाइन और अल्ट्रा होल्ड मिनी साइजेस में भी और उसके साथ ही कटिंग शेप में भी अवेलेबल है, एज पर दी कस्टमर चॉइस आप दोनों जैसा भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पैच की ओर। जो मेरे हाथ में पैच आप देख पा रहे हैं ये फुल लेस पैच है, बॉर्डरलेस पैच है। अगर इस तरह का कोई भी पैच आप यूज करते हैं तो उस पैच के लिए एक अलग ही तरह का टेप है जिसे कहते हैं लेस फ्रंट पैच, जो कि दोनों शेप्स में अवेलेबल है, रोल में भी अवेलेबल होता है, कटिंग एजेस में भी अवेलेबल होता है। इस पैच के लिए ये टेप यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज इससे पहले जितने भी हमने पैच देखे उनमें कंप्लीट एक बॉर्डर होता है, एक बेस होता है जिस पर टेप को लगाया जाता है, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का बॉर्डर नहीं है। तो ये जो टेप है कंप्लीटली इसी के लिए बना हुआ है बिकॉज ये टेप इस नेट को डैमेज नहीं होने देता है, कंप्लीटली लगने के बाद पूरी तरह से इनविजिबल होता है, पता नहीं चलने देता है कि टेप भी लगा हुआ है
और इस पैच की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि बहुत जल्दी ये मेल्ट नहीं होता है, जिससे कि ना तो नेट डैमेज होती है और आपका जो नेचुरल लुक है या जो आपका नेचुरल फील वाला लुक है वो आगे तक बना रहता है, लंबे समय तक बना रहता है। ये लेस फ्रंट टेप भी दोनों शेप्स में अवेलेबल है, एक रोल में भी अवेलेबल होता है, कटिंग शेप या कटिंग इंचेस में भी अवेलेबल होता है, एज पर योर चॉइस आप ले सकते हैं। और इसकी जो नेचुरल एवरेज होल्ड वैल्यू है वो 10 से 15 दिन रहती है। और दोस्तों अगर इसी तरह के और भी पैच आप यूज करते हैं जो बॉर्डरलेस होते हैं, तो उसमें एक एडवांस टेप भी यूज किया जाता है जिसे कहते हैं एक्सटेंडा बॉन्ड। जी हाँ, आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं एक्सटेंडा बॉन्ड एक्सटेंडा टेप भी इसे कहते हैं। अगर ये लग जाता है तो इसकी जो एवरेज होल्ड वैल्यू 20 से 25 दिन होती है। इसकी जो पकड़ होती है वो लेस फ्रंट पेज से कहीं ज्यादा मजबूत होती है और इसमें मेल्ट होने में भी काफी टाइम लगता है, जिससे कि जो आपका लुक है जो नेचुरल फील वाला लुक है लंबे समय तक चलता है। जो एक्सटेंडा बॉन्ड है ऐसी लंबी स्ट्रिप में हमेशा अवेलेबल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी भी तरह का आप बॉर्डरलेस या विदाउट बेस वाला पैच यूज करते हैं तो एक एडवांस टेप भी अवेलेबल है जिसे वॉकर गेम बेस्ट टेप कहते हैं। ये एक कम्प्लीटली लेयर वाला टेप होता है। हमने जो टेप आपको बताया वो नॉर्मल टेप यूज करना ही है, लेकिन उसके साथ में एक बेस टेप की काइंड ऑफ कोटिंग कह सकते हैं लेयर लगाई जाती है, बिकॉज जब भी सर्विस की जाती है पैच की तो अगर हम टेप निकालेंगे तो क्योंकि नेट काफी पतली होती है इस कारण से काफी सारे पार्ट डैमेज हो जाते हैं, तो इसीलिए इस बेस टेप की पेस्टिंग की जाती है जिससे कि उस पैच की पकड़ मजबूत हो जाए, जिससे कि जो बार टूटते हैं या पैच डैमेज होता है उस पैच के डैमेज होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। तो कंप्लीटली एक लेयर टेप होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, होल्डिंग वैल्यू भी काफी बढ़ा देता है और आप इससे आपकी पैच की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये तो था टेप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन सा टेप किस पैच पे यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। और अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कोई सवाल है जो शायद जिस सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पाया हो तो बेहिचक हमारे बोल्डलाइन नंबर पर कॉल करें या फिर कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम बहुत ही जल्दी उस पर रिस्पॉन्ड करेगी और हमारी टीम उसका जवाब देगी। और दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज है, हमारी टीम बहुत ही जल्दी पैच के रिलेटेड एक वीडियो लेकर आने वाली है जिसमें हम हर पैच की एवरेज प्राइस रेंज क्या होती है और किस पैच को किस नाम से जाना जाता है आपको बताएंगे। बिकॉज हमने ये फील किया कई सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं जो पैच वो लगवाना चाहते हैं, वही पैच की जो रेंज हमारे पास होती है उसे डबल या ट्रिपल प्राइसेस में लोग मार्केट में वो पैच को लगा रहे होते हैं और कई सारे क्लाइंट्स को चीट किया जाता है, कई सारे क्लाइंट्स को ज्यादा पैसे में वो चीज लगाई जाती है। तो हमारा और हमारी टीम का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अवेयर रहें कि एवरेज एक प्राइस की प्राइस क्या होना चाहिए और किस पैच को किस नाम से जाना जाता है। तो बिना देरी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें और किसी भी तरह का डाउट कोई क्वेश्चन कोई सवाल या कोई टॉपिक है जिसका वीडियो बनवाना चाहते हैं तो बेहिचक आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करें, हमारी पूरी टीम आपके लिए वीडियो लेकर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।